इस्कीमिया या रिपरफ्यूजन इंजरी, इसमें क्या होता है कि अगर कोई टिश्यू डैमेज है, तो अगर कोई टिश्यू डैमेज है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई जो है उसे दोबारा दी जाए, उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो रीस्टोर की जाए, तो सेल इंजरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कोई भी टिश्यू डैमेज है उसे ब्लड रीस्टोर किया है तो सेल इंजरी इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल सेरिब्रल इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया। इसके कॉजेज में क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू रीऑक्सीजनेशन। ब्लड दोबारा दिया गया जिसकी वजह से रीऑक्सीजनेशन की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जो कि टिश्यू को डैमेज करती हैं। उसके बाद है रिपरफ्यूजन कॉजेज लीकेज ऑफ मोर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो लीक होती हैं। और इसके अलावा एक और एक्शन है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तीन कॉजेज की हैं हमने, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और लीकोसाइट लीक करते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है एक ऐसी सेलुलर एबनॉर्मेलिटी है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो प्रोवोक करती हैं। ठीक है, सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंड्यूस करती हैं उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन जो होती हैं उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन उससे प्रोड्यूस होती हैं, या फिर मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के रेस्पिरेटरी बर्स्ट से, दो तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आ जाते हैं फ्री रेडिकल्स में, एक सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड परोक्सी नाइट्राइट। अच्छा, टॉक्सिन्स क्या होते हैं कि ये कोई भी इन्वायरमेंटल केमिकल्स होते हैं या फिर पैथोजेंस, कोई भी पैथोजन से जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उससे कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिकल्स या फिर पैथोजन से कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उससे कहते हैं। दो टाइप के हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और लेटेंट। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब नाम से पता चल रहा है सेलुलर ऑर्गेनेल्स पे जाके डायरेक्ट एक्ट करेंगे, और लेटेंट का मतलब होता है डिले, तो ये पहले से एक्टिवेट नहीं होती, मतलब थोड़ी देर बाद जाके एक्टिवेट होते हैं, तो कन्वर्टेड टू रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अच्छा, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग में क्या एग्जांपल है, मर्क्यूरी क्लोराइड पॉइजनिंग की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो क्या होता है कि मर्क्यूरी जो है, जो सल्फाइड्रिल ग्रुप होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन मेम्ब्रेन्स के जो सल्फाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं उधर मर्क्यूरी जो है जाके अटैच हो जाता है और ATP चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है। लेटेंट में क्या एग्जांपल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल है कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है जब लिवर में जाती है तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है, सॉरी, ये जो जब लिवर में जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये एक टॉक्सिक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है तो ये हेपेटोसाइट्स को जो है वो डैमेज करता है, जिसकी वजह से इंजाइम्स अफेक्ट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वेल हो जाता है। इसके अलावा एग्जांपल है एसीटो अमीनोफेन की। ठीक हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग में मर्क्यूरी क्लोराइड है, सल्फाइड्रिल ग्रुप पे जाके प्लाज्मा प्रोटीन्स की लगता है, ATP चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिवर में टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स जाके में कन्वर्ट हो जाता है, हेपेटोसाइट्स को जो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस, रेटिकुलम स्ट्रेस में आपने ये देख ली है फिगर, इसमें क्या है कि जब माइल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस होता है तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जाके रिसेप्टर पर लगती हैं, दे एक्ट एज अ सेंसर। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ शेपरॉन्स, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन्स जो है वो कम बनते हैं और उनकी डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो कम सिंथेसाइज हो रहे हैं और डिग्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह कम हो जाएगी। इसके बाद जो अगर बहुत सीवियर एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस है तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स BH3 अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो सिग्नल जाएगा, ये स्टिमुलेंट्स जो हैं सिग्नल कन्वे करेंगे और BH3 प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे, कैस्पेजिस एक्टिवेट होंगे और एपोप्टोसिस होंगे। ठीक है, तो माइल्ड और सीवियर एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस में क्या ये आपने पूरा फिगर करना है, सीवियर में जो है एपोप्टोसिस हो जाएगी, कैस्पेजिस एक्टिवेट होते हैं, और माइल्ड में जो है ये सारा है। ठीक है,